उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे को महाकाल मंदिर से पकड़वाने वाले 6 लोगों को मिलेगा इनाम, जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी। महाकाल मंदिर से 9 जुलाई को कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ाया था। विकास दुबे को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यह इनाम उज्जैन के लोगों को मिलना था। किसे इनाम मिले इसी के लिए एसपी ने 3 सदस्यीय टीम गठित की थी। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार 6 लोगों को इनाम के लिए चयनित किए गए हैं। हारफुल की दुकान वाला सुरेश कहार, महाकाल मंदिर सुरक्षा कर्मी राहुल शर्मा, धर्मेंद्र परमार, पुलिस आरक्षक विजय राठौड़, जितेंद्र कुमार और परसराम शामिल है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेज दी गई है। देखिए, इसके संदर्भ में एक विभागीय कमेटी बनी थी जिसमें 2 एडिशनल एसपी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट मुझे सौंपी है। उसमें सभी परिस्थितियों का परीक्षण करके ये पाया गया है कि जो वहाँ एक फूल वाला है और उसमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड है और इस तरह और हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी हैं जिनकी भूमिका उसकी गिरफ्तारी में रही है। इस तरह का प्रतिवेदन उनके पास से प्राप्त हुआ है जिसको मैंने अनुशंसा सहित भेजा है और उसके आधार पर अग्रिम निर्णय कानपुर पुलिस द्वारा लिया जाएगा।